नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के केस में। पार्टनर्स को मैक्सिमम कितना रेमुनरेशन पे किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर्स को कुछ भी सैलरी दे दें। अगर आप कोई भी उनको सैलरी पे करते हैं तो एक लिमिट है इनकम टैक्स के अंदर। आप उस लिमिट से ज़्यादा यदि आप उनको सैलरी देंगे तो वो सैलरी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस अलाउ हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि पार्टनर्स को कितनी सैलरी अलाउड होती है। और हाँ दोस्तों, इसके अलावा हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने जाएंगे और उस क्वेश्चन का जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और जो भी हमारा व्यूअर सबसे ज्यादा सवालों के जवाब देगा जनवरी 2022 के मंथ के अंदर, उसको एक स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ का। और साथ ही श्योरसॉफ्ट की तरफ से उसे एक सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों आप हमारी वीडियोज को देखते रहिए और हाँ कमेंट जरूर कीजिए जिससे कि आप भी हमारे मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ बन पाए। दोस्तों अब हम बात शुरू करते हैं पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम रेमुनरेशन की। तो दोस्तों यदि पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है, सबसे पहले हम लॉस से शुरुआत करते हैं, यानी कि यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है और उसको कोई लॉस होता है तो उस केस में उसे 1.5 लाख रुपए तक का रेमुनरेशन अलाउड है। यानी कि इवन इन केस ऑफ लॉस आपकी पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स 1.5 लाख रुपए तक का सैलरी ले सकते हैं पूरे साल में। तो ये पर पार्टनर की बात नहीं हो रही है, टोटल पार्टनर्स के केस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा है इन केस ऑफ प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट होता है तो फर्स्ट 3 लाख तक यानी कि पहले 3 लाख रुपए तक यदि प्रॉफिट होता है तो आपको जो सैलरी अलाउड होगी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो होगी 1,50,000 रुपये या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवरेज हायर। यानी कि या तो आपको 1.5 लाख रुपये या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। यदि हम अब सपोज एज्यूम करते हैं कि हमारा बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपये का हुआ है तो उस केस में हमें जो मैक्सिमम रेमुनरेशन मिल सकता है, जो हम क्लेम कर सकते हैं एज एन एक्सपेंसेज पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो हम कर सकते हैं 1.5 लाख रुपये या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट यानी 90% ऑफ 3 लाख रुपीज। कितना हुआ? 2,70,000 रुपये। तो विच एवरेज हायर, इन दोनों में जो सबसे ज्यादा यानी 1.5 लाख रुपए या 2,70,000 रुपये, इन दोनों में जो सबसे ज्यादा है वो क्या है? 2,70,000 रुपये। यानी कि आपको 2,70,000 रुपये तक का एक्सपेंसेज अलाउड हो जाएगा। आप 2,70,000 रुपये तक की सैलरी आप क्लेम कर सकेंगे एज एन एक्सपेंसेज। दोस्तों मैं यहाँ पे फिर आपको एक बात क्लियर करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी ज्यादा लेने से रोका जा रहा है। आप चाहें अपनी सैलरी आप 5 लाख रुपए महीने कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अपने एक्सपेंसेस को आप क्लेम करेंगे, जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे, उस केस में आपको जो मैक्सिमम लिमिट है उस लिमिट के अंदर ही आप अपने एक्सपेंसेस को क्लेम कर पाएंगे। और यदि आपका प्रॉफिट 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में पहले 3 लाख रुपए तक तो आपको 1.5 लाख रुपए या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, और उसके बाद आपको 60% ऑफ बुक प्रॉफिट मिलेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि यदि मेरा प्रॉफिट 5 लाख रुपए का है तो उस केस में मुझे कितना रेमुनरेशन मैं क्लेम कर सकता हूँ? तो पहले 3 लाख तक 90% यानी कि 2,70,000 रुपये, और अगले जो 2 लाख, 5 लाख में से 3 लाख रुपये पहले मैं माइनस करूंगा तो मेरे रह गए बैलेंस 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपए पर 60% यानी कि 1,20,000 रुपये। तो टोटल कितना हुआ? 2,70,000 प्लस 1,20,000, टोटल हो गया मेरा 3,90,000। तो मैं 3,90,000 रुपये तक का मैक्सिमम रेमुनरेशन एज एन एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता हूं। यहां पे दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि ये जो आप मैक्सिमम रेमुनरेशन की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन केसेज में जहां पर कि पार्टनरशिप फर्म का टैक्स ऑडिट होता है, यानी कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर कवर नहीं होते हैं। आप 8% या 50% या 6% जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 44 AD और 44 ADA,
आप इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आप 44 एडी या 44 एडीए के अंदर अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं तो उसमें एज पर लॉ 44 एडी में 6% और 8% दो रेट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम प्रॉफिट दिखाना होता है। और 44 एडीए प्रोफेशनल के केस में आपको 50% अपने टोटल रेवेन्यू का प्रॉफिट दिखाना होता है, और उस प्रॉफिट में आपको पार्टनरशिप फर्म का जो रेमुनरेशन है, जो आपको पार्टनर्स का रेमुनरेशन है, वो माइनस नहीं कर सकते। यानी कि सपोज आप 44 एडी आप फॉलो करते हैं और आप 8% टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो सपोज आपकी टर्नओवर 50 लाख रुपए की है तो 50 लाख का 80% क्या हुआ, सॉरी 8% क्या हुआ, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हुआ, उसमें आप अब जो आपकी मैक्सिमम रेमुनरेशन है वो आप माइनस नहीं करवाएंगे, यानी 8% ये माना जाएगा कि सारा कुछ सैलरी खर्चे जो भी कुछ है वो सब घटाने के बाद ही आया है, इसमें पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनका रेमुनरेशन भी घटा दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा आप अगर पार्टनर हैं तो आपको मैक्सिमम जो इंटरेस्ट मिल सकता है वो 12% मिल सकता है, यानी कि आप चाहें अपने एग्रीमेंट के अंदर 24% लिख दीजिए, 18% पर एनम लिख दीजिए, लेकिन अगर आप क्लेम करेंगे एज एन एक्सपेंसेस तो आप मैक्सिमम 12% कर सकते हैं। हाँ, 12% से कम होगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। अगर सपोज आप 9% अगर आप अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट क्लेम करते हैं तो पूरा के पूरा 9% आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। अब हमारा क्वेश्चन हमारा है कि मैक्सिमम रेमुनरेशन इफ बुक प्रॉफिट इज 50K, यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आप 44 एडी और 44 एडीए फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस केस में यदि आपका बुक प्रॉफिट 50,000 रुपए का है तो आपको मैक्सिमम कितना रेमुनरेशन मिल सकता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और हमारे मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ का अवार्ड लीजिए, और साथ ही साथ हमारी तरफ से श्योरसॉफ्ट की तरफ से आपको जो सरप्राइज गिफ्ट भी आपको मिलेगा, तो हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।